तो अब हम डिस्कस करने वाली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्कीम को, इसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा इस योजना। चाहे सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, नाबार्ड ग्रेड ए के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्कीम है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए, 2020 में स्कीम आई थी, ठीक है, 2020 में आई थी, और 2024 2025 तक ये स्कीम चलेगी। इसकी मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। टोटल फाइनेंशियल आउटले जो है वो है 20,050 करोड़। लगभग 2020 में आई थी ना, तो लगभग 20,000 करोड़ का बजट है, ऐसे याद रख सकते हो। 20 में आई थी और 20,000 करोड़ का बजट है, ठीक है। और ये जो फाइनेंशियल आउटले है ना, ये सेंट्रल, ये जो स्कीम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम में भी इसके कुछ पार्ट हैं और कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम भी है। जो सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, ये अपने आप में दो फेज में डिवाइडेड है। एक नॉन बेनिफिशरी ओरिएंटेड है और एक बेनिफिशरी ओरिएंटेड है, ठीक है। जो बेनिफिशरी ओरिएंटेड है ना, मान लो जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट, जो जनरल कैटेगरी जो व्यक्ति हैं, ठीक है, उनको 40% तक की सहायता गवर्नमेंट करेगी। वो जो एससी हैं, एसटी है, वुमेन है, ठीक है, वो उनको 60% तक का सहायता गवर्नमेंट करेगी, 60%, ठीक है, असिस्टेंस गवर्नमेंट करेगी। सेम के सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम में भी है 40%, 60% का, ठीक है। और देखो, जो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का जो डिवीजन है ना, वो 60-40 का, मतलब जनरली जो स्कीम होता है 60% सेंट्रल देगी, 40% स्टेट देगी, ठीक है, या फिर 90% नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय स्टेट का है, और 100% यूनिटरी विदाउट रिलेशनशिप। समझ में आ गया? जो बजट है ना, 17,000, तकरीबन 17,020 करोड़ का सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल सेक्टर स्कीम का बजट है 17,720 करोड़, और रेस्ट जो है 18,330 करोड़, वो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, ठीक है। समझ में आया? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन एक दो बार पढ़ोगे ना समझ में आ जाएगा स्कीम, ठीक है। तो 10 ईयर हम देखिएगा, 2024-2025 से चलेगा, ठीक है। इसका मोटो याद रखिएगा, रिफॉर्म परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। ये एक्चुअली सब्जेक्टिव, अगर इनके सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ गया तो इससे आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली मोटो क्या है? रिफॉर्म परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। टीआरपी से याद रख सकते हो, टीआरपी से, टेलीविजन का टीआरपी होता है ना, वैसे इसका याद रख सकते हो। ट्रांसफॉर्म, रिफॉर्म, परफॉर्म, जस्ट उल्टा कर देना लिखते हुए, ठीक है, मतलब याद करने का तरीका है और कुछ नहीं। देखो, इसका ऑब्जेक्टिव है, बड़ा सिंपल सब्जेक्टिव, ब्लू रिवोल्यूशन लेके आना है थ्रू सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरी सेक्टर, ठीक है। अब लाएंगे कैसे ब्लू रिवॉल्यूशन? देखो, हार्नेशिंग ऑफ फिशरीज पोटेंशियल हो गया, ये सारे सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक है। हार्नेशिंग ऑफ फिशरीज पोटेंशियल हो गया, मॉडर्नाइजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ वैल्यू चेन हो गया, डबलिंग ऑफ फिशर्स एंड फिश इनकम, फिश फार्मर्स इनकम हो गया, इन्हेंसिंग कंट्रीब्यूशन टू एग्रीकल्चर ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड एक्सपोर्ट ऑन सोशल फिजिकल इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ फिशर्स एंड फिश फार्मर्स, ठीक है। इसके जरिए हम ब्लू रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे। सारे कंपोनेंट अगर हम सक्सेसफुल होते हैं तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ब्लू रिवॉल्यूशन की ओर हम कदम बढ़ा चुके हैं, ठीक है। ओके, टारगेट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। देखो, बेसिकली जो टारगेट है वो, इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है फिश प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। इसका टारगेट क्या है कि जो फिश की प्रोडक्शन है ना, उसको इंक्रीज करना है 22 मिलियन मैट्रिक टन बाय 2024-2025। अभी जो है ना, अभी पीआईबी के अनुसार 17 मिलियन मैट्रिक टन का हम हासिल कर चुके हैं फिश का प्रोडक्शन। टारगेट क्या है? 22 मिलियन मैट्रिक टन बाय 2024-2025, ठीक है। अभी तकरीबन 17 मिलियन मैट्रिक टन पे हम लोग हैं, ठीक है। दूसरा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है 5 टन पर हेक्टेयर, ठीक है। 5 टन पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी है, ओवरऑल इंक्रीज कितना करना है? 22 मिलियन मैट्रिक टन, ठीक है। और जो डोमेस्टिक फिश कंजप्शन है अभी, वो 5 kg per capita है, उसको बढ़ा के 12 kg per capita करना है, ठीक है। ये तीन है जो, ये फिश प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है, ठीक है, ये टारगेट। दूसरा टारगेट है इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन से रिलेटेड। इसका मतलब क्या है? जो फिशरीज का कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर में, उसको 9% तक लाना है, 9% ऑफ जीवीए, ठीक है, एग्रीकल्चर में फिशरीज कंट्रीब्यूशन। जो एक्सपोर्ट, उसको डबल करना, ताकि जो हमारा एक्सपोर्ट से अर्निंग हो 1 लाख करोड़ तक पहुँच सके बाई 2024-2025, ठीक है। तीसरा, फैसिलिट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, बड़ा जनरल सा ये। लास्ट क्या है? रिडक्शन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉस फ्रॉम, अभी जो है ना 20-25% पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो रहा है फिशरीज सेक्टर में। सो गवर्नमेंट का ये ऑब्जेक्टिव है, उसको रिड्यूस करके 10% लाया जाए बाय 2024-2025। और तीसरा जो टारगेट है वो है इन्हेंसिंग इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। गवर्नमेंट कोशिश है तकरीबन 55 लाख डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जाए, और जो फिशर्स और फिश फार्मर्स का जो इनकम है उसको डबल किया जाए बाय 2024, ठीक है। सो जो बेसिक टारगेट है उसको हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करके सब टारगेट में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब चलते हैं की फीचर में। देखो, की फीचर सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट होता है। की फीचर बेसिक क्या है कि क्लस्टर और एरिया बेस्ड अप्रोच रहेगा इस स्कीम का, और गवर्नमेंट की कोशिश रहेगी जो न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है ना, उसको इन्फ्यूज़ किया जाए फिश प्रोडक्शन में, जैसे रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, बायोफ्लॉक, एक्वापोनिक्स, केज कल्टिवेशन,
गवर्नमेंट की कोशिश है कि इसके जरिए मॉडर्न फिशरी की ओर बढ़ा जाए। ठीक है, फोकस एरियाज क्या है? कोल्ड वाटर फिशरीज डेवलपमेंट है, एक्सपेंशन ऑफ एक्वाकल्चर इन ब्रैकिश वाटर एंड सलाइन एरियाज है, फिशिंग हार्बर्स एंड लैंडिंग सेंटर, पोस्ट हार्वेस्ट एंड कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे फोकस एरिया है। ठीक है, अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इंश्योरेंस कवरेज भी दिया गया है। एक तो फिशिंग वेसल को इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड किया गया है, और एक है ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस की। जैसे कोई मैन या वुमेन फिशर्स है ना 18 से 70 साल के बीच में, तो उनको ये ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, जिसमें अगर इनकी डेथ होती है या कोई परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी होती है तो 5 लाख रुपये दिया जाएगा। इस केस में फिशरमैन को कंट्रीब्यूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर डेथ हो जाती है किसी कारणवश या फिर परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी होती है, परमानेंट डिसेबिलिटी है, पार्शियल डिसेबिलिटी नहीं है, ठीक है, तो 5 लाख रुपए मिलेगा उनको इस इंश्योरेंस स्कीम के अंदर। ठीक है, और क्या और कुछ इंपॉर्टेंट ये है कि एक इंटीग्रेटेड मॉडर्न कोस्टल फिशिंग विलेज गवर्नमेंट का बनाने का प्लान है विथ ए टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 750 करोड़। ठीक है, और एक नेशनल नेटवर्क ऑफ ब्रूड बैंक्स क्रिएट किया जाएगा फॉर कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीसीज, और फिश FPOs को प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि कलेक्टिविटी में ताकत होती है ना। कोशिश गवर्नमेंट की है कि फिश फार्मर्स उनको FPOs में लाया जाए। ठीक है, इससे इनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी। ठीक है, और तीसरा जो किसान क्रेडिट कार्ड है इसमें इनको फैसिलिटेट किया जाए, हमारे जो जो फिश फार्मर्स है उनको प्रोवाइड किया जाए। वैसे गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर चुकी है, लेकिन स्कीम के अंदर था तो हम डिस्कस कर रही है। अब इस स्कीम के अंदर एक सब स्कीम भी है, वो है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि शाह योजना, जिसको हम आगे कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसको आप एक दो बार ज़रूर देखिएगा। ठीक है, एक दो बार देखोगे तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।